बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बहुत दिन से मुझसे रिक्वेस्ट की जा रही थी कि मैं पुलाव सिखा दूं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से आपकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर पा रही थी। तो आज बेसिक रेसिपी लेकर आई हूँ सिंपल पुलाव की, फिर इसी के अंदर वेरिएशंस करके हम अलग अलग डिफरेंट तरीके के पुलाव तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। सिंपल पुलाव के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमको चाहिए हैं, उसमें सबसे पहले है गर्म मसाला, एक चाय का चम्मच ज़ीरा, दो बड़ी इलायचियाँ, दो तीन छोटी छोटे दालचीनी के टुकड़े, दो तीन हम छोटे साइज़ के बेलीव ले रहे हैं, अगर आपके पास बड़े साइज़ का है तो दो ले लीजिए, चार छोटी इलायचियाँ या हरी इलायचियाँ, आधा चाय का चमचा काली मिर्चें साबुत, और तकरीबन आधा चमचा ही हम इसके अंदर लौंगे ले रहे हैं। इसके अलावा एक लार्ज साइज़ की प्याज लेके, और मैंने उसे फ्राई कर लिया, अदरक जाएगी एक खाने का चमचा, लहसुन जाएगा एक खाने का चमचा भर के। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, पुलाव सूप स्टॉक्स और चिकन सूप स्टॉक्स दोनों ही इस्तेमाल की जा सकती हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आप इस्तेमाल कर लीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। पुलाव सूप स्टॉक जो होती है उससे ज़्यादा बेहतर पुलाव का जायका रहता है। नमक इसके अंदर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो कि हम अपने चावलों के और यखनी के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। एक कप फेटा हुआ दही इस्तेमाल होगा, एक से डेढ़ इंच का अदरक का टुकड़ा जूलियन कटा हुआ, और दो लार्ज साइज़ की हरी मिर्चें हैं, ये वाली मोटी हरी मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। इसका जायका ज़्यादा होता है लेकिन ये तेज़ नहीं होती। और साथ ही साथ मैं आपको इसकी यखनी के लिए भी इन्ग्रीडियंट्स बता दूँ, मैंने 6 गिलास पानी के साथ आधा किलो चिकन को यखनी बनाने के लिए रखा है, क्योंकि इसके अंदर से तकरीबन 2-2.5 गिलास धीमी आंच के ऊपर रिड्यूस हो जाएंगे, तो जो बाकी बचेगा वही हम अपनी यखनी के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1/2 kg से थोड़ी सी ज्यादा इसके अंदर चिकन है, साथ ही इसके अंदर मैंने 1 लार्ज साइज की अनियन डाली है, थोड़ा सा 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, 4-5 हरी मिर्चें हैं, काली मिर्चें हैं इसके अंदर, आधा चाय का चमचा लौंगे हैं आधा चाय का चमचा, और साथ ही इसके अंदर मैंने 1 खाने का चमचा नमक डाल के इस यखनी को रेडी किया है। और अब ये यखनी जो है ये तकरीबन आधा घंटा पकने के बाद बिल्कुल रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, बोटियां निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर, और यखनी को छान के एक जग में ले लेंगे, और फिर उसके बाद फर्दर आगे क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी। ऑयल मैंने गर्म कर लिया, इसके अंदर सबसे पहले मैं प्याज डाल दूंगी फ्राई की हुई, और चूंकि फ्राई हुई भी है प्याज इसलिए इसको कोई टाइम नहीं देना, बस गरम तेल में डालने के बाद हमने साथ ही इसमें तमाम गरम मसाला डाल देना है साबुत। सिर्फ 30 सेकंड हम मसाले को देंगे, थोड़ा सा इसका जायका जो है वो ऑयल के अंदर जज्ब हो जाए। तो अनियन के और मसाले के तमाम के फ्राई होने के बाद इसके अंदर चला जाएगा ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और अब मैं इसके अंदर क्रश करके ये दो पुलाव क्यूब्स हैं ये भी डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम मसाले को भून लेते हैं, और अभी हम इसके अंदर नमक शामिल नहीं करेंगे, नमक हम इसके अंदर थोड़ा बाद में शामिल करेंगे। जितनी देर ये मसाला भुन रहा है उतनी देर मैं बोटियाँ जो है वो यखनी से अलहदा कर लेती हूँ और यखनी को छान लेती हूँ। तो मसाला हमारा भुन गया है अच्छे तरीके से, अब हम इसके अंदर ये चिकन डाल देंगे जो कि कम्प्लीटली कुक्ड है, साथ ही डालेंगे दही, और इसके साथ ही हम ये हरी मिर्चें और अदरक भी डाल देंगे। अब हम तेज आंच के ऊपर चिकन को दही के साथ भून लेंगे, बिल्कुल तेज आंच पे भूनना है क्योंकि चिकन हमारी पक चुकी है, तो हमें उसको दही के पानी में बहुत देर छोड़ना नहीं है वरना बोटियां टूट जाएंगी। तो हम बिल्कुल फुल आंच के ऊपर इसको जल्दी से 1-2 मिनट में भून लेते हैं। तो चिकन को मैंने सिर्फ 1-1.5 मिनट के अंदर तेज आंच के ऊपर भून लिया है। अगर आप मेरी तरह कम मिकदार में बना रहे हैं तो बेशक कम्प्लीटली कुक कर लीजिए चिकन को, लेकिन अगर आप ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो 80% तक चिकन को गला के और फिर आप दही के साथ भुनिएगा, वरना वो बिल्कुल रेजा रेजा हो जाएगी।
दूसरी एक अहम बात, इसके अंदर मैंने नमक चक लिया है, चावलों के हिसाब से नमक यखनी के साथ भी मौजूद है और मैं आखिर में एडजस्ट करूंगी। तो ये हाई क्वालिटी बासमती राइस है, आधा घंटा भीगे हुए हैं और पुलाव के राइस को 4 से 5 पानियों के अंदर आपने धोना है जब तक के पानी बिल्कुल ऐसे साफ ना हो जाए। देख लीजिए बिल्कुल एक एक चावल पानी के अंदर दिखाई दे रहा है, चावल बहुत अच्छे तरीके से धुले हुए चाहिए। तो ये इसमें डाल देते हैं, अच्छे से इसे मिक्स करते हैं एक दफा। स्टोव मैंने स्लो कर दिया है और अब ये जो हमारे पास यखनी है, 1.5 कप राइस के लिए हम 2.5 कप यखनी डालेंगे। अब हम आंच फुल करते हैं, चावलों को अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अब आपने चावलों को एक दफा मिक्स करके फिर ज्यादा हिलाना नहीं है, इसलिए इसके अंदर इस वक्त हम नमक चेक कर लेंगे। तकरीबन 1/2 चम्मच नमक की जरूरत है इसके अंदर, ये मैंने डाल दिया है। आप भी अपने जायके के हिसाब से इसको एडजस्ट कीजिएगा। मिक्स कर रही हूं और अब मैं इसे कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर उतनी देर पका लूंगी कि ये पानी तमाम का तमाम खुश्क हो जाए और फिर जो है हम इसे दम पे रख देंगे। और बराबर के चूल्हे के ऊपर ही मैं सीधा तवा गर्म करने रख रही हूँ ताकि जितनी देर में पानी खुश्क हो उतनी देर में मेरा तवा प्री हीट हो जाए। तो 2 मिनट मैंने इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाया है और आप देख लीजिए इसके अंदर पानी रिड्यूस हो गया, बिल्कुल सूख गया है पानी इसका। पानी को सूखा हुआ देखने का तरीका ये कि आप साइड में से हिला के देखेंगे, अगर बिल्कुल पानी नहीं है नीचे पतीली के पेंदे में तो इसका मतलब है कि पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब चूंकि दूसरे तवे के चूल्हे के ऊपर मैंने तवा गर्म कर लिया था तो इसे उठा के मैं तवे के ऊपर रखूंगी और एक किचन टॉवल से हम इसके ढकने को कवर करेंगे और इसे दम दे देंगे। तो देखिए मैंने इसके लिड को कवर कर दिया है और इसके नीचे मैंने तवा रख दिया है, देख लीजिए। इसे अब हम दम लगाएंगे और दम लगाने का तरीका वही है जैसे हम बिरयानी को करते हैं। 5 मिनट हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर रखेंगे और अगले 5 से 7 मिनट हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर दम पे रखेंगे और फिर उसे डिश आउट कर लेंगे। तो हमारा मज़ेदार सिंपल पुलाव बिल्कुल रेडी है, बहुत ही यमी बनता है, बहुत ईजी है। तो ये ट्राई कीजिए, यकीनन आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिए, वहाँ आपको काफ़ी रिटर्न रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अपने कमेंट्स में अपने सजेशंस और व्यूज़ मुझसे शेयर करते रहिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।